हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और हम अपन भाषा भोजपुरी भाषा में बोली तो कैसन बानी रहुआ सभी। उम्मीद कर रहनी कि लोगिन बढ़िया होके हम लोगिन। और आज है जीतिया, तो जीतिया तो ये जो जीतिया का व्रत होता है वो अपने संतान के लिए किया जाता है, अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो आज मेरी माँ जीतिया की है, तो उसका पूजा उसका कथा मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोग देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं नहीं करती हूँ जीतिया, क्योंकि हमारे यहाँ का कुछ परम्परा है, मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है ये व्रत जिसका लड़का होता है वही करता है। तो मेरी तो बस एक बेटी है, इसलिए मैं ये व्रत नहीं करती हूँ, बट मेरी मम्मी करती है और मेरी सासू माँ भी करती है। लेकिन मैं भी मायके में हूँ, तो मेरी माँ आज पूजा करने वाली है, तो उसकी सारी विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके कथा जो होता है वो सब शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो ये बहुत। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी माँ नहा वहा के रेडी हो गई है, पूजा कर रही है, शाम का टाइम है। और हमारे यहाँ का ये नियम होता है कि इसमें आप नहा के पूजा कर सकते हो, लेकिन ब्रश नहीं होता है, मतलब मुंह नहीं धो सकते हैं और ना ही बाल झाड़ा जाता है, बाल को भी नहीं झाड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वो सब हो गया, पूजा वगैरह कर चुकी है मेरी मम्मी। यहाँ पे मेरी छोटी वाली सिस्टर मेरी माँ का पैर रंग रही है, और उसके बाद यहाँ पे पूजा स्टार्ट होने वाला है, तो कथा स्टार्ट होने वाला है। और कथा के लिए कोई पंडित जी नहीं आए हैं, मेरे पापा जी ही बुक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरी माँ और मेरी दीदी दोनों पूजा की तैयारी कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और कथा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो मैं उसमें से थोड़ा बहुत आप सबके साथ शेयर की हूँ, आप लोग देखना। जी से कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह की आयु होंगे सो कही। सुत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या यदि आप मुझे बल दे रहे हैं तो बल दीजिए कि आपके अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, आप अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित हो। कि पक्षीराज जरूर राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन बड़े मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हुए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है। तो अपने और उन्होंने धर्म से कहा कि हे विप्रेम, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कही। धर्म में बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने। तो आप लोग देख सकते हैं पूजा के लिए जो जल रखा हुआ है, जो पूजा का लोटा होता है उस पे हमारे यहाँ जो खीरा होता है, आप लोग जानते हैं खीरा में ही जीतिया जो पहना जाता है वो उसको उसमें लपेट के पहले पूजा के जब पूजा के समय वहाँ पे रखा जाता है। और वो पूजा होने के बाद उस जीतिया को पहले अपने बेटों को पहनाया जाता है कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ घंटे के लिए, उसके बाद ही पहना जाता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे।